हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। भोपाल अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिवसीय बैठक का शुभारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई के हाथों ध्वजारोहण कर किया गया। भोपाल के श्यामला हिल के मानस भवन में 18 से 20 जुलाई तक चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने संबोधित करते हुए सेवा दल को और अधिक मजबूत करने की बात कही। उक्त अवसर पर उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजेश रस्तोगी सहित देश भर से आए हुए प्रदेश के अध्यक्षों ने अपने अपने प्रदेश की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त अवसर पर अनेक विषयों पर कार्यकारिणी में चर्चा हुई। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के साथ कोषाध्यक्ष जनार्दन रेड्डी, महामंत्री रामजी लाल अच्छे जायसवाल, लालजी प्रसाद मिश्रा, विजय सारस्वत सहित अमरजीत सिंह, राजवीर सिंह, अशोक राज आहूजा, मीर साहब सोएब अली, प्यारी जान, राजकुमारी सोनी, जेपी तिवारी, बलराम सिंह, शशिकांत थोरात, राकेश शेट्टी सहित अनेक राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की व्यवस्था बनाए जाने हेतु कार्यालय प्रमुख पूरन सिंह राणा, किरण मोरिस ने प्रयास किया। भोपाल से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। जहां लोगों की आवाज़ को दबाने का काम, मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम, जनता को जो है वो हर चीज़ से नकारने का काम जो अंग्रेज़ों ने किया था, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, आप अगर देखोगे तो पता चलता है कि हर निर्णय जो नागपुर से होता है, जनता का निर्णय इसमें कहीं नहीं होता है। तो इसलिए अब सेवा दल के प्रति पूरे देश की जनता एक अलग तरीके से देख रही है कि जो मूल विचारधारा है, देश की जो भावना है, एकता, अखंडता और बंधुता वाली भावना, उस भावना को और मजबूत करके देश को विभाजनकारी ताकतों से कैसे बचाया जाए। खास करके आज जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर आरएसएस और भाजपा दोनों ही अपने पावर को बनाए रखने के लिए इस देश को जो बांटने का काम कर रहे हैं, इस देश में जो जहर पिलाने का या जहर उगलने का जो काम कर रहे हैं, उसकी जगह पर एक अमृत बन के कैसे हम लोग आएँ और हर जहरीली जड़ को काट कर इस देश को फिर से संगठित और मजबूत कैसे करें, उसके लिए हम लोग पूरा अपने कार्यकारिणी में चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके से और बदलाव आने वाले हैं सेवा दल में? पिछले 10 और 11 जून 2018 में राहुल जी की मौजूदगी में और सेवा दल को जो स्वायत्तता मिली, और उसके बाद सेवा दल ने कई नए बदलाव के बारे में अपना काम शुरू किया था, जिसमें सेवा दल का यंग ब्रिगेड नए कार्यकलाप में जो आ रहा है, ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट और पिकअप के साथ, जिस प्रकार से सेवा दल की जो महिला विंग है उसको भी स्वायत्त तरीके से हम लोग देख रहे हैं। हमारा योग सेवा संगठन से लेकर, भारत न्याय सेवा संगठन से लेकर, सेवा दल अपने अलग अलग विंग, इवन बाल सेवा दल को दोबारा पुनर्जीवित करने का काम, हमारा प्रशिक्षण का काम जो 35 साल के अंदर थोड़ा दबा हुआ, थोड़ा रुका हुआ था, उसको हम पूरे जोर से शुरू कर रहे हैं और 200 लोगों की हमारी प्रशिक्षकों की टीम आज तैयार कर रहे हैं, और सहयोगी समर्थ विशारद से लेकर राष्ट्र रत्न और तपस्वी तक की हमारी सेवा दल की प्रशिक्षण की जो यूनिट है वो बन रही है, और उसमें से कार्यकर्ता निकलेगा। काम नहीं तो पद नहीं, अब कोई सिफारिश नहीं, ये सेवा दल का नारा है। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये हमारा नारा है। तब लड़े थे गोरों से और आप जानते हो कि अब हम लड़ रहे हैं चोरों से, तो ये चोरों से लड़ने का काम जो है वो सेवा दल अब रास्ते में मैदान। पहले सेवा दल को डिसिप्लिन के नाम पर हम लोग सिर्फ व्यवस्थापन के काम में थोड़े समय बीच में रुक गए थे, अब हम सेवा दल जो है जनता की आवाज़ बनकर हर जन आंदोलन में सहभागी होंगे। संघर्ष और रचना वो हमारा जो है वो लगातार चलता रहेगा, और राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, नेतृत्व निर्माण और संगठन निर्माण का ये 4 मुख्य हमारे पिलर हैं, उसी पर सेवा दल काम कर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।